आगे पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 70 दिनों बाद आज से मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे 40 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव हो जाएंगे। राज्य सरकार ने दो दिन पहले पोस्टपेड सेवाओं पर पाबंदी हटाने का फैसला लिया था, तो सरकार ने फिलहाल पोस्टपेड मोबाइल पर कॉलिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। लोगों को मोबाइल इंटरनेट के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रीपेड सेवा पर भी फैसला बाद में होगा। तो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को 5 अगस्त को रद्द करने के बाद से कश्मीर में एहतियात के तौर पर मोबाइल फोन सेवाओं और इंटरनेट सुविधाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज इससे जरूर कोई राहत मिलती नजर आएगी। तो आपको बता दें कि 12 बजे से 40 लाख से ज्यादा मोबाइल जो पोस्टपेड मोबाइल है उनकी सेवा को बहाल किया जाएगा। तो कश्मीर में आज से शुरू होगी पोस्टपेड सेवा और ऐसे में 40 लाख लोगों को कहीं ना कहीं इससे बड़ी राहत जो है मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा कारोबार था वो भी यहाँ पर ठप होता दिख रहा था। जो पर्यटक है जो वहाँ पर बुकिंग करना चाहते उस पर भी काफी जो है असर पड़ता दिख रहा था। और लेकिन इस पोस्टपेड मोबाइल सेवा के साथ साथ लोगों को इस बात का इंतजार भी है कि जो प्रीपेड सेवा उपलब्ध होती है उससे भी कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान हो रहा है, तो उसको भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो अब घाटी में जो फोनों की घंटियां हैं वो गूंजती हुई दिखाई देंगी, तो इंटरनेट के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। तो वहीं प्रीपेड सेवा पर भी बाद में जो है वो फैसला होगा।